Good morning, students. Today we will read our page number 2nd and 3rd of chapter 1st, How, When and Where. जैसा आप जानते हैं कि dates कितनी important होती हैं, कौन सी date importance होती हैं, which dates are important for us, वो अभी हम पढ़ेंगे. We will read about the importance of dates and which dates are important for us. Yes, now I am start reading. Which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? क्या criteria है कि हमें एक important date कौन सी होती है, हम किसको choose करते हैं? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. कि जो dates हम select करते हैं और अपनी एक story compose करते हैं past की, तो वो date important नहीं होती अपने आप में. They become vital, वो ज़्यादा important हो जाती है. Because we focus on a particular set of events as important, हम वहाँ पर इवेंट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं कि कौन कौन सी इवेंट्स हुई हैं. इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हम चेंज जो हुए हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं. इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अगर हम नए इश्यूज की तरफ देखना शुरू करते हैं, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तब एक नया सेट, एक नई सीरीज डेट्स की निकल कर आती है जो सिग्निफिकेंट होती है. सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट. कंसीडर एन एग्जांपल, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्ट्रियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट. दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. और इस तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हिस्ट्री लिखी गई ब्रिटिश हिस्ट्रियंस के ज़रिए, इंडिया की जो हिस्ट्री लिखी थी, उनका जो समय स्टार्ट होता है वहाँ पर गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उनके लिए, उनकी हिस्ट्री में. देज हिस्ट्रीज, अब उनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेकर, वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर और लास्ट वॉइसरॉय तक, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और हम डिफरेंट चैप्टर्स में, सेपरेट होता है अलग से जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम इनके किए गए काम, जो वर्क्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के कामों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने वर्क्स किए थे. इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉय, और इस तरह से ये लगता है कि ये कभी ना ख़त्म होने वाली सीरीज थी गवर्नर जनरल और वॉइसरॉयज की. ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स. और इस तरह से हम देखते हैं कि हिस्ट्री बुक्स की जो भी डेट्स हैं वो सभी किससे लिंक्ड हैं, इन पर्सनैलिटीज़ की एक्टिविटीज़, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या पॉलिसीज़ थी इनकी, क्या क्या अचीवमेंट्स इनकी रही, उनके बारे में है. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, और मानो ऐसा लगता था कि इनके जीवन के बाहर कुछ भी नहीं था. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस तरह से इनकी क्रोनोलॉजी जो है, क्रोनोलॉजी होता है रिलेटेड टू टाइम, इनके जीवन का जो टाइम रहा है, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग अध्याय जो हैं वो ऐड किए हैं. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को अलग तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स, तो हम किस तरह से फोकस करते हैं उन एक्टिविटीज़ पर जो डिफरेंट ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ थी, जो डिफरेंट क्लासेस की एक्टिविटीज़ थी इंडियन सोसाइटी के अंदर गवर्नर जनरल्स के टाइम में. व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, और ए स्टोरी, जब हम एक स्टोरी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स,
वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स, हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली. वाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस. अब जो इसलिए करते हैं कि हर एक चैप्टर में कोहेरेंस, कोहेरेंस होता है कि उस रेलेवेंस उसका बना रहे, उसे कनेक्टिविटी उसकी बनी रहे. इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. यह हमें एक स्टोरी के इस तरीके से बताती है कि उसमें कुछ सेंस निकलती रहे और उसको आगे से आगे बढ़ाया जा सके. इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग. और हम ज़्यादा फोकस करते हैं उन इवेंट्स पर जो हमारी स्टोरी को एक शेप देती हैं. इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस. वट देन डू वी डू, पहले जो गवर्नर जनरल की जो हिस्ट्री उनके चारों तरफ घूमती है उनके लाइफ के बारे में, तो वहाँ पर इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिंपली वहाँ पर फिट नहीं होती हैं, उनका कोई स्पेस वहाँ पर नहीं है इंडियंस का उनकी लाइफ में. वट देन डू वी डू, तब हमें क्या करना करते हैं? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री. तो हमें ज़रूरत है ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से कि एक अलग हिस्ट्री की. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड. इस तरह से हम देखते हैं कि जो डेट्स पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी अब उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रही है. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो. और इस तरह से एक नई डेट का जो सेट है, नई डेट्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी जानने के लिए. ये था आपका पेज नंबर सेकेंड एंड थर्ड का जो टॉपिक है, विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट.